सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक गाना होता है, उस गाने को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है, जो कि हमारे रुस्लान भाई और आयरा जी जो बैठे हैं हमारे बीच में, इन दोनों ने इस गाने को चार चांद लगाए हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना है और निधि ने मेरे साथ में इस गाने को गाया है। तो ओवरऑल ये गाना सब लोगों ने मिलकर इस गाने में काम किया है, तब जाकर एक खूबसूरत गाना और एक खूबसूरत वीडियो बना है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा एक्ट किया है दोनों ने। और वो कहता है ना कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमेशा के लिए याद रह जाती है, तो ये उन गानों में से एक गाना है जो मुझे हमेशा याद रहेगा, जो मेरी ज़बान पर हमेशा रहेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना गाकर और इनके साथ में दोनों तीनों के साथ में काम करके, निधि एंड रुस्लान भाई एंड आयरा जी, बहुत अच्छा लगा काम करना। मेरे पास एक्चुअली में बोलने के लिए बहुत कुछ है। मेरा ये पहला गाना था एंड आई एम सो हैप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल साइलेंस शुरू करूंगी, पता नहीं चल रहा कौन बोल रहा है, सबको बताया कि कितने अमेजिंग सिंगर है, हम सबके फेवरेट है, कोई बोलता ही नहीं है, वी ऑल लव हिम। और आईडल के टाइम से ही फॉलो करते हैं हम सब, सुनते हैं। उसकी आवाज, उसकी आवाज पतली है इसलिए नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। बोलो बोलो आ रहा है। ऐसे सिंगर के साथ गाना जिनका सुर उधर से उधर नहीं होता सर वापस साइलेंस करो ना सबको। हाँ, शुरू से शुरू करूँ या कंटिन्यू करूँ? कंटिन्यू क्या बोले आप? नहीं, आप लोगों को सुना नहीं देने, यहाँ तो पकड़ लिया माइक में सब कुछ आ रहा है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा है। ओके, सो मैं यही बोल रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इतने सुंदर एक प्रोजेक्ट का पार्ट बनके और सलमान के साथ गा करके, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है। सलमान सबके फेवरेट हैं, मेरे भी बहुत शुरू से ही फेवरेट ही हमेशा से थे, और हम सबको पता है कि सलमान कितने अच्छे सिंगर हैं, उनका सुर इधर से उधर नहीं होता जल्दी। तो आई वुड से मैं एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स, लेकिन मेरे को इतना डर भी लग रहा था ना क्योंकि उनके साथ गाना था। बट आई डोंट नो, ऊपर वाले कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और फिर जब हमने वीडियो, गाना तो बहुत ही अच्छे से हो गया था, अब तो पता ही था अच्छे से हो जाएगा, फिर वीडियो जब देखा ना ओवरऑल कितना मज़ा आया, सर और मैम ने क्या काम किया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं इसका पार्ट बन सकती हूँ। थैंक यू सो मच। तो हमारा शूट तो मुंबई में ही हुआ, फिल्म सिटी में। तो जब नागेश जी और जो हमारे डायरेक्टर है नूर, नागेश जी हमारे प्रोड्यूसर है, और नूर आए थे मेरे घर पे मुझसे मिलने, तो उन्होंने कहा कि ये जो गाना है हमको थोड़ा इंटेंस चाहिए, तुम बहुत चॉकलेट बॉय टाइप के हो, तो तुम ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उनको डाउट था। फिर बोला मुझे, मतलब थोड़ा हाइप किया प्रोजेक्ट को कि सलमान गाने वाला है तो गाना इस लेवल का होगा, हमको लार्जर देन लाइफ गाना चाहिए। बट इसके शूटिंग में हम शायद लार्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ऊंचा गाएगा वो, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था, पावरफुल था। तो दे वांटेड कि जब लड़की मरेगी तो वो जो सारी, बस हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही। एक्चुअली फर्स्ट मीटिंग में ही कभी कभी कुछ लोगों के साथ दोस्ती हो जाती है, और कभी तो पूरा शूट कंप्लीट कर लो आप तब भी दोस्ती नहीं होती। तो हमारा ये इनका जो नेचर है आप देख सकते हो सबके सामने, बहुत पॉजिटिव है, बहुत वॉर्म है। एंड तो पहली मीटिंग में वो पॉजिटिविटी आ गई, और जो भी गाना था तो मेरे लिए काफ़ी आसान था, सिर्फ मैं उन्हें देखता था, स्माइल करता था और ओके हो जाता था ठीक। राइट, तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं नागेश जी, वो बहुत पैशनेट है अपने प्रोजेक्ट को लेके, अपने वीडियोस को लेके,
उनका जो विजन है वो सिर्फ वीडियोस तक सीमित नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिल्में बनाना चाहते हैं, तो जो पैशन वो उस फिल्म तक अभी पहुंचे नहीं है वो वीडियो में निकालते हैं। तो जब वो मुझे स्टोरी बता रहे थे आई रियलाइज कि यार यहाँ पे ना 19-20 नहीं हो सकता, यहाँ पे 20-21 करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बहुत क्या बोल सकते हैं ड्रीम्स थे, इसलिए तो वो ट्रू ड्रीम भी नाम रखा है। तो जो सब जो आदमी सपने लेकर आपके पास आता है ना उसका आप दिल नहीं तोड़ सकते। तो आई सॉ दैट पैशन, आई सॉ कि यार वो चाहते हैं कि उनका हर वीडियो हर गाना बेस्ट से भी बेटर हो, और अगर वो एक्टर ढूंढ रहे हैं परफॉर्मर ढूंढ रहे हैं उसे भी उतना ही अच्छा काम करना पड़ेगा। तो ये सब सोच कर समझ कर हम इस सेट पर गए, टाइम पर गए ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। 5 बजे का टाइमिंग दिया था सुबह को, अभी मुझे भी पता है हम इतने सालों से इंडस्ट्री में 5 बजे किसकी शूटिंग स्टार्ट होती है, बट लगा कि चलो अभी नए प्रोड्यूसर हैं नहीं जाएंगे टाइम पे, उनको लगेगा एक्टर्स अन पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, सब लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि सब लोग आए, हमको प्यार दिए, आशीर्वाद दिया, थैंक यू सो मच। पहले मेरी कंपनी जो थी मिसेस का सपना था कि हमारी कंपनी बने, और ये फूल ड्रीम जो सच्चे सपने ये पूरी हुई जब मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं ये अपने इरफान आए, जब उनसे बात हुई तो हम दोनों ने तय किया कि हम दोनों मिलकर साथ काम करेंगे और एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने को कि अच्छे अच्छे लोगों को गाने दे, सबका प्यार मोहब्बत पाए, बस यही रीज़न था कि सपना था एक, आज सपना पूरा हो रहा है ऐसा मेरे को, आप लोग सब आए सब इतना प्यार दिया तो मेरे को बहुत खुशी हुई, मेरा सपना पूरा हो रहा है, थैंक यू सो मच। लास्ट सॉन्ग में सब बेहतरीन तेरी आदत, मैं ये सोचता हूँ कि अलग अलग कुछ गाने दूँ उनके, जो मैम हमारे जो ओनर है मेरी मिसेस लुम्बिनी नागेश लोखंडे प्रोड्यूसर है, तो उनका सपना था कि अपन ये जो म्यूजिक चल रहे हैं अभी जो गाने इस दौर में तो कुछ अलग मेलेडी क्लासिक सॉन्ग देंगे कि बार बार सुने, तो हमने शुरुआत की थोड़ी सी मोहब्बत, मेरा पहला एल्बम आया था हमारा, उसके बाद तेरी आदत अब नहीं ये गाना भी हमने ये दूसरा सॉन्ग था जो शरद मल्होत्रा के साथ हमने किया था, तो मेरी मुलाकात हमारे डायरेक्टर से हुई जब मैंने गाना जब जो फाइनल हुआ तब हम चाहते थे कि नूर सिद्दीकी को डायरेक्ट करें, तो हमने डायरेक्ट किया, बहुत ही अच्छा गाना बना हो और सब लोगों का प्यार मिला, अभी भी गाना चल रहा है, 5 मिनट क्रॉस हो गए हैं, 5 मिनट नहीं 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 मैं अभी वो सोच रहे हैं भगवान का, मैं हम चल रहे रास्ता गाने बनाएंगे बैक टू बैक, भगवान ने रास्ता दिया तो आगे जाके आप सब लोगों का प्यार मिला तो वो भी पूरा, बस आप लोग दुआ करें कि अगले बार वो ऐसे मतलब धीरे 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 वो लेवल पे भी पहुंचे। बिटिया कुछ खाइए सर की बेटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कि आप सब आए, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के, और ट्रू ड्रीम म्यूजिक ये एक सिर्फ कंपनी लेवल नहीं है, ये लोगों को गाने से कनेक्ट करने के लिए लेवल है, और मेरे पेरेंट्स मॉम एंड डैड मैंने उनको देखा है स्ट्रगल करते हुए देखा है कि कैसे गांव से आए और यहाँ पे मुंबई में आके उन लोगों ने भी अपना एक पूरा एक एम्पायर टाइप ऑफ बनाया है, और मैं आई एम सो प्राउड कि मेरे पापा ने ये अकेले किया है विदाउट एनीवन सपोर्ट, एंड आई फील सो प्राउड दैट सबको पता ना कि ये मेरे मम्मी पापा हैं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे बताने के लिए लोगों को कि मेरा ऑफकोर्स अगर मुझे चांस है तो ऑफकोर्स पापा का साथ ऑफकोर्स दूंगी मैं फ्यूचर में, और ये गाना नैना ना माने ये जो गाया है सलमान अली और नूरी प्रसाद
मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये MD इरफान अली सर ने, इरफान अंकल ने जो किया है, ही सच अ ब्रिलियंट, मतलब उनको देखे जब मैं पहली बार मिली मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनका जो गाने का नॉलेज है वो इनफिनाइट है। तो इतना ही मैं कहना चाहती हूँ कि इस गाने को बहुत सारा प्यार दें, और जो थोड़ी सी मोहब्बत और तेरी आदत अब नहीं, ये भी उसको बहुत लव एंड सपोर्ट और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स सब मिला। तो आई होप कि इससे इस सॉन्ग को भी बहुत सारा प्यार मिलेगा आपसे। और हाँ, बहुत बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं। और एक मतलब होता है ना, अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और पापा मतलब ये ड्यूटी, पुलिस होके भी ड्यूटी, ड्यूटी के बाद शूटिंग, शूटिंग के बाद रिकॉर्डिंग, ये सब 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 मैं देखते आ रही हूँ। और मुझे सिर्फ इतना है कि बोलते हैं ना, हर फल का हर मेहनत का मीठा फल होता है, वैसे ही मैं हर वो करूँगी कि बहुत सारी ब्लेसिंग, लाभ और सक्सेस मिले मेरे पापा को। बस सर, एक्चुअली क्या है ना, सर हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम सर पे कितनी भी गलतियाँ करते तो सर का ये नेचर है कि छोटे भाई की तरह हमको क्या ना ट्रीट करते, हमको मौका देते। अभी हमसे गलतियाँ होती है, जाहिर सी बात हर एक से होती है, लेकिन सर क्या है ना, हमको छोटे भाई की तरह ट्रीट करते। अगर सर ना होते तो गाना मतलब शूटिंग के टाइम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर असल में क्या है ना, मैंने बहुत प्रोड्यूसर के साथ में जो मैंने काम किया है, लेकिन इनको क्या है ना, इनको चीज़ों की समझ है, इनको नॉलेज है। मैं एक्चुअली मैं बोलूँ, जितने जो बिग बॉस के अंदर है, वो वड़ा पाव पता नहीं कौन कौन है, उसको जानता ही नहीं कोई। ये जितना इसको जानते हैं, कहीं भी खड़ा कराओ, एक तरफ वड़ा पाव, एक तरफ आमिर सिद्दीकी, सब इसको जानते हैं। मतलब मैं अपना भाई इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली उसको कौन जानते, जुमा जुमा 8 दिन से वड़ा पाव जानते हैं। आप मुझे बात बताओ, 15 कंटेस्टेंट के अंदर कितने को पहचाने थे आप, मीडिया वाले 2-3 को, बाकी ऐसा है मालूम है, बिग बॉस एक ऐसा शो है कि लोग वेट करते हैं शो के लिए कि हमको देखना है। मैं एज अ व्यूअर अभी बात कर रहा हूँ, एज अ कंटेस्टेंट ये सब वो दूसरी चीज़ है। एज अ व्यूअर मैं खुद ये शो एवरी डे देखता हूँ। अभी जैसे रात में आएगा मैं एपिसोड देखूंगा, मेरी आदत है रात को खाना खाते टाइम देखो, देखना है। बिग बॉस लवर में आते हैं हम लोग ऐसा, वो तो एक अलग चीज है। बट बिग बॉस के अंदर बड़ा बना दे तुम, बट ये टाइम क्या हो रहा है मालूम है, ये टाइम का जो शो में लोग गए ना, कुछ अच्छे लोग है, बट ये टाइम ऐसा हो गया कि घोड़ों के रेस में गधे दौड़ेंगे। हाँ। वो वाली बात हो गई, मेरे को वो मजा नहीं आया कुछ लोगों को देख के, मतलब फीका लग रहा है, थोड़ा मिर्च मसाला कम है, वो उनकी मर्जी है। मैं ऐसा नहीं सर, मेरे को अगर मेरे को जाने का रहेगा ना तो मैं अगले दिन चले जाऊँ, मेरे को उतना है। बट आमिर एक ऐसा इंसान है, मैंने कभी, अभी जैसे नूर एक भाई यहाँ पे बैठे हुए, हमारा एक भाईचारा अलग है, बट आज तक मैंने कभी भाई को बोला नहीं रहेगा, भाई मेरे को कोई प्रोजेक्ट दो या मेरे को काम दो। अगर आपको लगता है कि आमिर टैलेंटेड है, आमिर को देना चाहिए, तो आप दो। बाकी अगर मैं मिलूंगा उनसे तो हम लोग वो दोस्ती और वो भाई वाले हिसाब से मिलते हैं। अभी अगर मैं सर को मिल रहा हूँ तो सर का नेचर अच्छा लगा, मैं सर से बात करूंगा, सर काम कैसा चल रहा है, लाइफ कैसी चल रही है, ये। बट मेरी वो आदत ही नहीं है कि मैं कभी ऐसा बोलूँ, लालच नहीं है मेरे को, क्योंकि अगर मेरे नसीब में कुछ लिखा है ना, वो मेरे पास अपने आप चल के आएगा। वो बोलते ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो जिस दिन मेरे नसीब में लिखा रहेगा कि मैं खाने वाला हूँ तो मैं खाऊंगा। ऐसा मेरे को जो गाने की हुक लाइन है ना, बहुत पसंद आई, और सलमान अली इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर, मतलब उसकी आवाज़ में जादू है। तो सलमान के लिए, सर के लिए, भाई के लिए मैं ज़रूर क्रिएट करूँगा एक अच्छा कॉन्सेप्ट। जी, गाना बहुत अच्छा लगा, हर इंसान चाहता है कि ऐसा प्यारा गाना करे, हर इंसान का विश होता है, ड्रीम होता है, और आजकल हर तरीके के गाना बन रहे हैं, बट ये जो गाना है बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, सब ने बहुत ही मेहनत की है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो सब लाइक करें, शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब करें। नहीं, गाने का डायरेक्शन बहुत प्यारा था, मतलब बहुत उम्दा डायरेक्शन था हमारे भाई की तरफ से। ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है और लिरिक्स भी इन्होंने लिखा है, MD इरफान अली। थोड़ा इस तरह गाना, एक्चुअली इंटेंशन क्या था, मेरा इंटेंशन रहता है कि मैं ऐसा ऑडियो दूँ जो प्रोड्यूसर, सिर्फ प्रोड्यूसर के लिए गाना नहीं होता है, अपने पूरा इंडिया, जनता, पब्लिक तक अगर दिल से निकले और पहुंच जाए तो मैं समझता हूं कामयाबी है सब कुछ। जैसे कि आप यूज करें एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बात दिल से निकले, दिल तक जाए, तो वो फिर कामयाब समझता हूँ। क्या बात, सही बात। मैंने नैना, एक्चुअली राइटिंग भी मैंने की है और म्यूजिक कंपोज भी किया है,
तो इंटेंशन मेरा ये था कि कुछ अपना एक क्लासिकल टच भी रहे, कि हिंदुस्तानी क्लासिकल धीरे धीरे खत्म होता है, तो वो एक थोड़ा सा आगे आए और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल भी रहे गाना, और गाने में बात हो कि एक हिंदुस्तानी क्लासिकल टच भी रहे और राग भी सुना, तो वो सोच के मैंने कंपोजिशन सुनाई और मैंने अपने डायरेक्टर नूर साहब को सुनाई सबसे पहले। और प्रोड्यूसर सर तो मतलब कुछ भी मैं बनाता हूँ, मैं ट्रू ड्रीम पे भी नहीं तो कुछ भी बनाता हूँ, नागेश लोखंडे सर को सबसे पहले सुनाता हूँ। और हमारी प्रोड्यूसर लिंबुनी नागेश लोखंडे मैम खड़ी हैं वहाँ पर, तो उनको भी सुनाता हूँ, तो बहुत पसंद आया सर। हमने कहा ठीक है लेट्स गो अवे, जाते हैं इस पर देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट फिर आ रहा है। का नाम है नैना ना माने, पर मुझे लगता है मेरी आंखों की बात तो फिलहाल सब मानते हैं, इंस्टाग्राम हो चाहे वो कहीं भी हो, और फिलहाल हमें इनकी नैनों की बात माननी पड़ेगी। सॉन्ग लॉन्च है नैना ना माने का एंड इट्स सच अ ब्रिलियंट सॉन्ग, और नूर जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है एंड हिज डायरेक्शन इज फैबुलस। मैंने गाना आने से पहले दो बार देखा अच्छे से, ईच एंड एवरी मूवमेंट एंड जो भी आपने डायरेक्ट किया इतनी बेहतरीन तरीके से, मैंने वो सारा अच्छे से देखा एंड ऑल द बेस्ट फॉर द होल टीम ऑफ नैना ना माने। नैना ना माने के डायरेक्टर नूर जो है नूर भाई हमारे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हैं, उनका बहुत अच्छा काम है। गाना मैंने सुना, सलमान की आवाज़ बहुत ही प्यारी है, तो गाना बहुत अच्छा है और मैं दुआ करता हूँ कि ये गाना बहुत सक्सेस करे। मैंने तो आज ऑलरेडी कमेंट कर दिया कि गाना सुपर हिट है, तो मेरी दुआएं मेरा साथ सलमान और नूर भाई के साथ में है। स्टार कास्ट बहुत अच्छा है और बहुत ही प्यारा है, तो मुझे लगता है जो नई जनरेशन है उसके लिए एक रोमांटिक पनी के हिसाब से गाना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना प्यार लोगों ने हमारे गाने को दिया है उतना ही प्यार नूर भाई के गाने को भी। मैं उनको 3-4 साल से जानता हूँ, वो काफ़ी मेहनती इंसान है और उन्होंने गाना काफ़ी अच्छा डायरेक्ट किया। मैं इंशाल्लाह चाहूँगा कि गाना और आगे जाए और नूर भाई ऐसे बहुत खूबसूरत खूबसूरत गाने बनाते रहे। क्या बात है जी, बहुत सही लगा, मुझे भी गाना अच्छा लगा। और जैसे समीर भाई अपने बोल रहे कि नूर भाई को मैं भी जानता हूँ, इन्हीं के थ्रू जानता हूँ, बहुत टाइम हो गया 4-5 साल से, कास्टिंग डायरेक्टर से डायरेक्टर तक का सफ़र उनका हमने देखा है और काफ़ी मेहनती इंसान है वो। और गाना तो देख, खैर मैंने इतना अच्छे से नहीं देखा या सुना है, बट जितना सुना है उतना मुझे बहुत अच्छा तो लगा है। और बाकी जो भी बोलेंगे हमारे ईशान भाई बोलेंगे, इनका रिटेक है ना जी। पिटारे में अभी कुछ नहीं है, पिटारे में सांप होता है। अभी फिलहाल मैं फोकस कर रहा हूँ मेरे बिजनेस पे, इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ आने वाली है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मेरे आने वाले, और लेट्स सी देखते हैं कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आ सकता है नेक्स्ट ईयर। स्पेशली आई एम इन लव विद द वॉइस ऑफ सलमान एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई थिंक गाने को बेहतरीन सिंगर का बहुत बड़ा हाथ होता है गाने को बेहतरीन बनाने में, एंड आई थिंक हु इज़ बेटर देन सलमान। एंड रिसेंटली उन्होंने एक रियलिटी शो किया है विच इज़ बहुत अच्छा गया वो रियलिटी शो, एंड आई सॉ ऑल द एपिसोड्स, बट ये गाने में जो उनकी वॉइस है वो एक अलग ही निखर के आ रही है, एंड आई रियली वॉन्ट कि मैं उनके अगले बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग्स करूँ। सैड तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, थोड़ा सा रोमांस होना जरूरी है स्पेशली मेरे गानों में, थोड़े से कुछ नहीं होगा भाई, बहुत ज़्यादा। अच्छा भाई, वो तो ऑडियंस के ऊपर है कि वो उनको रोमांस चाहिए कि सेडक्शन चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर, थैंक यू। यार वो सलमान अली बहुत अच्छा सिंगर है और मेरा छोटा भाई भी है, वो जो डायरेक्टर है वो भी मेरा छोटा भाई है नूर सिद्दीकी। सलमान अली को भी सुना है, सलमान अली को भी भेजो। बैठो बैठो यार। हाँ सर। सलमान अली बहुत अच्छा सिंगर है, मेरा छोटा भाई है, नूर भी बहुत अच्छा डायरेक्टर है। देखो यार मैं मेरे दोस्तों को सपोर्ट करने आता हूँ इसलिए आया हूँ, गाना भी बड़ा अच्छा है। और पूछ, अभी सब पूछ तो लिया यार। आई विश देम ऑल द लक, उनका गाना अच्छा है, चलेगा और लोगों को देखना चाहिए, नए लोगों को भी सराहना चाहिए। और वो रुस्लान मुमताज वो पुराना एक्टर है, वो अच्छा एक्टर है, वो भी अच्छा काम किया है उसने।
जैसा सर ने कहा, सर की एक एक बात को मैं कहना चाहूँगा सेम टू यू, सर को कहूँगा बहुत अच्छी बातें कही इन्होंने। और एजाज भाई का यही जलवा है कि जिस महफिल में जाते हैं उस महफिल का एजाज बन जाते हैं, शान बन जाते हैं, जान बन जाते हैं। हमारे भाई है नंबर मानस। एक जमाना था कपिल शर्मा को अगर किसी ने पानी पिलाया है असल जिंदगी में और स्क्रीन पे, वो ये आदमी है। और मैंने देखा वो, और लोगों ने भी देखा है। ये बात और है कि अभी कपिल की तूती बोल रही है, विश हिम ऑल द लक, इज गुड, इज नाइस, बट आई लाइक दिस गाय वेरी मच, ही इज आल्सो नंबर वन मानस। और इस एल्बम के लिए कहूँगा सर कि बहुत ही अच्छा एल्बम है, म्यूजिकल है। सलमान अली, अपना इंडस्ट्री का सलमान अली भाई जो है, मैं कहता हूँ बहुत प्यारा प्यारा बच्चा है। सलमान नाम का बंदा है मगर शादीशुदा है तो और उन्होंने गाना गाया क्योंकि उनके नैन ना माने तो नैन मटकता हो ही गया। तो सलमान अली को, शिवा भाई को, उनकी पूरी टीम को, रुस्लान को, रुस्लान मुमताज, जो हमारी वेटरन एक्ट्रेस अंजना मुमताज जी का के सपुत्र हैं, और पूरी टीम ही बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्यारे लोग हैं। आप सब लोग अपने माध्यम के जरिए जितना उनको प्रमोट कर सकते हैं, जैसे हमने आपने मेरी फिल्में भी की है, गाली गलौज फिल्म आपने पिछली बार प्रमोट की थी जो रिलायंस एंटरटेनमेंट पर है, डॉन सिनेमा पर है, SRK म्यूजिक पर है, सुनील पाल कॉमेडियन ऑफिशियल, सुनील पाल ऑफिशियल पर है। और अब मेरी आने वाली फिल्म है कॉफ़ी विद अलोन, कॉफ़ी विद अलोन, करण जौहर से उसका कोई संबंध नहीं है। कॉफ़ी विद अलोन एक फिल्म है जो आपको बड़ा मज़ा आएगा, सेंसर में गई हुए वापस आएगी, जब आपको मैं प्यार भरी इन्विटेशन भेजूंगा, आप जरूर आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। आप सब जियो हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहे हैं इजाज़ खान और सुनील पाल, लव यू ऑल। अरे एक एक आदमी पूछो रे। देख मेरे भाई, बादशाह से लड़के जीत सकते हो लेकिन तकदीर वाले से लड़के नहीं जीत सकते हो, और शाहरुख खान तकदीर वाला है, वो बादशाहों का बादशाह है, और आई थिंक सो इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग एक्टर बॉलीवुड हैव राइट नाउ, जिसके लिए बच्चे साहब ने एक जमाने में गाना गा दिया था, और जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी गोरी, तो भैया गौरी जिसकी बीवी होगी उसका तो बड़ा नाम ही होगा। तो SRK भाई शाहरुख साहब के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो आदमी स्वदेश में भी था और विदेश प्रदेश में भी था, इसलिए इंडिया में भी और ओवरसीज में भी उनको प्यार मिलता रहेगा। और भैया चाहे उनकी फिल्म देखने के लिए हमको डंकी मार के भी जाना पड़े, हम जरूर देखेंगे, क्योंकि SRK हम आपके सामने हैं, आप अपना दिल हार के। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग है ये, द वे रुस्लान एंड आयरा ने इसको पोर्ट्रे किया, इट्स जस्ट अमेजिंग, सारे इमोशंस जैसे दिखाए गए, एंड म्यूजिक इज जस्ट अमेजिंग। मैंने जो फर्स्ट टाइम ये गाना सुना, ये सुपर हिट सॉन्ग है, लाइन एक सुपर हिट। मुखड़ा लाके बताएंगी गाने का? आई एम नॉट अ गुड सिंगर, मतलब ऐसे ही खाली आप अपने सुंदर मुखड़े से कोई मुखड़ा गाओगी? गाओ ना यार। अरे सलमान का है इसका मतलब ये होता है लड़कियां झूठी होती है। और एक 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 थैंक यू, एक एक फनी नोट पे बात करना चाहूंगा, एक सुने 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 एक सुने एक मिनट एक फनी नोट पे बात करना चाहूंगा, एक फनी नोट पे बात करना चाहूंगा। आप इसकी शक्ल देखिए, सोनाक्षी सिन्हा से मिलती है कि नहीं? सलमान भाई को टेंशन, अभी सलमान भाई ने मैरिज ब्यूरो खोल रखा है, हो सकता है अगली शादी इसकी करा ले। लेकिन सलमान भाई की जितनी भी हीरो ने शादी करती है तो सलमान भाई उनके लिए गाना गाते हैं, तू नती तो तारो फोटो पंचाल से, फोटो नती तो तार फोटो कॉपी पंचाल से। तो मुझे लगता है सोनाक्षी की फोटो कॉपी आ गई है, अब आप भी तैयार हो जाइए दबंग फिल्म करने के लिए। थैंक यू सर, तो बहुत
बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है एंड सॉन्ग इज वेरी नाइस एंड आई रियली लव्ड इट एंड ऑल द बेस्ट गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू थैंक नूर सिद्दीकी सर फॉर डायरेक्टिंग सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. और आवाज़ तो सलमान की बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, कम्पीट कर रहे थे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से. थैंक यू फॉर इतना अच्छा गाना आप लाए. I just want to congratulation this Dream Music and Salman Ali and entire team of this music video. Music song is very nice and very soothing. सुनने में अच्छा लग रहा है. और अब इन लोगों का मैंने पहले तो स्क्रीन नहीं देखा है बट बोथ सलमान एंड नूर राइट सो इनका स्क्रीन भी काफ़ी अच्छा है. बाकी चीज़ें तो बोल ही दिया है उन लोगों ने, कवर अप कर दिया है. बस मैं इतना बोलूँगी कि जो डायरेक्ट किया गया है और पूरा फीचर्स मेहनत वगैरह बहुत अच्छा है एंड सॉन्ग इज एब्सोल्युटली वेरी नाइस, सुनने में अच्छा लग रहा है एंड अमेजिंग. For his tremendous work as he has done in the direction and as well as the artist also. So big congratulations for the new music album. गाना तो बहुत ही अच्छा है, मैंने देखा. कंग्रेचुलेशन ऑल टीम और रुस्लान. और उसमें काम करेगी हमारी हीरोइन एक्ट्रेस आंचल जैन जो आपके सामने बैठी है. ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हमारे टू ड्रीम म्यूजिक की तरफ से तेरे वास्ते की हीरोइन आज मैं अनाउंस करता हूँ और तेरे वास्ते जल्द ही एक रोमांटिक सॉन्ग आपको सबको देखने के लिए मिलेगा. थैंक यू. नहीं, काम बहुत पहले से ही दूसरे सॉन्ग पे चालू था तो हम लोग काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं उस पर एंड मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी से नेक्स्ट मंथ हम लोग लेके बहुत खूबसूरत सा दूसरा सॉन्ग भी आपके सामने लाएंगे. बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि पहली बार नूर के साथ, सर के साथ, इरफान सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है. बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा. ये हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है 15-20 डेज से पहले से हमारा काम स्टार्ट हो गया. अभी सर जब भी बोलेंगे सर. हाँ इरफान भाई एक दो लाइन अगर आप गाना. जुलाई में गाना आएगा. हाँ 15 जुलाई के आसपास 15-20 जुलाई के आसपास में गाना रिलीज करेंगे. शूटिंग जल्दी चालू करेंगे.